बिस्मिल्लाह रहमान। अब हम देखते हैं बाई प्रोडक्ट्स की कास्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, अब हमने ये जो ऊपर प्रोसेस किया जिसमें हमने वीट को स्टार्ट किया, वीट एक स्टेज तक कॉमन कास्ट लगी, फिर एक पॉइंट आ गया जिसके बाद हमें दो प्रोडक्ट मिल गई। ठीक है, या फिर हम यहाँ शुगर इंडस्ट्री को लेते हैं कि हमें यहाँ दो प्रोडक्ट मिली, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, और साथ में एक प्रोडक्ट सी अज्यूम कर लें कि वो जो है वो बाई प्रोडक्ट है, या हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ए हमारी मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, और प्रोडक्ट बी हमारी माइनर है। यहाँ मैं आपको लिख भी देता हूँ कि ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। इनका डिसीजन कैसे हुआ कि मेजर प्रोडक्ट के लिए हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था, हमारा मकसद किसी भी तरह माइनर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना नहीं था। पहला पर्पस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कैन बी स्टार्टेड टू प्रोड्यूस मेजर प्रोडक्ट, कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस स्टार्ट की गई थी मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए। माइनर तो सिर्फ एज अ रिजल्टेंट जनरेट हो गई, उस प्रोसेस में वो जनरेट होती है, लेकिन माइनर के लिए हमने प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया था। दूसरा, कि जो मेजर है ये अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ सेल वैल्यू रखती है, और ये अप्रोक्सीमेटली 5% तक हो सकती है इसकी वैल्यू, इवन 5% से भी बहुत लेस होती है। ठीक है, यानी कि टोटल सेल वैल्यू में 95% इंपोर्टेंस इस पर एक प्रोडक्ट की है, और माइनर प्रोडक्ट की इंपोर्टेंस मैक्सिमम 5% तक है। ठीक है, और इसकी मार्केट में डिमांड है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल चीनी खरीदने जाते हैं, जबकि चीनी के साथ कुछ ऐसी चीजें भी बन रही हैं जिसे हमें हमें जरूरत नहीं है, किसी खास बंदे को उस मड की या उस वो मोलेसिस के ऊपर से वो कुछ प्रोटीन्स वगैरह उतरते हैं उनकी जरूरत हो सकती है, वो कॉमनली किसी को नहीं होती, तो इसकी नो डिमांड। सेल तो जरूर होती है लेकिन ओपन डिमांड अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से हम इनको मेजर और माइनर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसकी पहली कास्टिंग टेक्निक में ये होती है कि हम जो माइनर प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करें, सेल्स प्रोसीड्स ऑफ माइनर प्रोडक्ट, जिसे हम बाय प्रोडक्ट भी कहते हैं। एंड शो इन अदर इनकम हेड ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, पहला इसका हमने क्या काम करना है कि हम जो कॉमन कास्ट है, सारी की सारी कॉमन कास्ट जो है हम उसको एलोकेट कर देंगे मेजर प्रोडक्ट को, और जो बाई माइनर प्रोडक्ट है, एक मिनट होल्ड करके मैं चार्जिंग लगा लूँ। और जो माइनर प्रोडक्ट है उसकी सेल को हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो है अदर इनकम की हेड के अंदर शो कर देंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताता हूँ कि हमने ये वीट का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो यहाँ फॉर एग्जांपल मटेरियल जो था वो 50,000 का अप्लाई हुआ। ठीक है, लेबर जो है वो 40,000 की अप्लाई हुई, और 20,000 का जो है हमारे पास वो है अदर एफओएच, तो हमारी टोटल यहाँ जो आएगी ज्वाइंट कास्ट, इसे मैं कलर दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर में, तो यहाँ हमारी टोटल ज्वाइंट कास्ट कितनी आ गई, 50,000 + 40,000 + 20,000, तो ये हमारे पास आ गई 110,000। ठीक है, जी ये हमारी ज्वाइंट कास्ट आ गई जिसे हम कॉमन कास्ट कहेंगे। हम ये कॉमन कास्ट क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट ए है इसकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होगी अभी तो मैन्युफैक्चर है सेल नहीं है, उसमें हम ये सारे की सारी 1,10,000 दे देंगे, यानी कि ये जितनी कॉमन कास्ट है या ज्वाइंट कास्ट है
मेजर प्रोडक्ट को एलोकेट कर देंगे। जब मेजर प्रोडक्ट की एक अलहदा से कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनेगी तो उसमें हम ये टोटल कॉमन कास्ट मेजर प्रोडक्ट को दे देंगे, और माइनर प्रोडक्ट की जो सेल प्रोसीड्स होगी उसका हम क्या करेंगे, ये हमने मैंने बता दिया कि उसकी सेल प्रोसीड्स को सिंपली, फॉर एग्जांपल माइनर प्रोडक्ट जो है वो 12,000 रुपए में सेल हो गई, तो हम उस 12,000 को इनकम स्टेटमेंट के अंदर अदर इनकम के हेड में नीचे जाके क्लासीफाई कर देंगे। मैं आपको वो भी बना के देता हूँ। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास सेल्स आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिर हमारे पास CGS कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है, जैसे वो माइनस करेंगे तो हमारे पास GP ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे पास आ जाते हैं एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इस किस्म के एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमारे पास आ जाता है अदर इनकम्स और एक्सपेंसेस। ये अदर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हम इन्हें सेपरेट इसलिए रखते हैं कि ये नॉर्मल बिजनेस की नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैंने एक पुरानी मशीनरी भेज दी, उस पर प्रॉफिट हो गया, मैं वो पुरानी मशीनरी की सेल को इस जर्नल सेल पे भी तो ऐड कर सकता हूँ ना, लेकिन हम इस किस्म की सेल को अपनी रेगुलर बिजनेस की सेल में ऐड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं साल में 20 लाख की सेल करता हूँ, लेकिन मैंने एक अपनी प्रॉपर्टी बेची, एक मकान बेच दिया, बिजनेस का था वो, अगर वो 50 लाख में बिका, 20 लाख की सेल रेगुलर थी, 50 लाख की सेल इसमें डाल दूँ तो जो एनालिस्ट है या एक सेपरेट आदमी है या जिस या इन्वेस्टर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, एकदम 20 लाख से 70 लाख सेल की होगी। तो जो प्राइम बिजनेस की सेल्स नहीं होती, प्राइम बिजनेस के अलावा होती हैं, तो उन इस किस्म की सेल्स को हम इधर अदर इनकम्स में सेल्स फ्रॉम बाई प्रोडक्ट। तो जो बाई प्रोडक्ट की सेल्स थी, मैंने आपको बताया कि 12,000 की फॉर एग्जांपल वो सेल हुई, तो हम उसके यहाँ सेल प्राइस में लिख देंगे। तो इसके बाद हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ये सबसे पहला प्रोसीजर है, इसमें हमने क्या काम करना है, हमने मेजर प्रोडक्ट की जब वैल्यू करनी है या इसकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बनानी है, ये जो मेजर प्रोडक्ट है, सारे की सारी कॉमन कास्ट हमने मेजर प्रोडक्ट जो हमारी प्रोडक्ट ए है, जैसे कि ये प्रोडक्ट ए, इसकी कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में 1,10,000 ऐड कर देना है, ठीक है। और जो माइनर प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बी है फॉर एग्जाम्पल, इसको हम जब सेल करेंगे और वो सेल प्रोसीड आती है फॉर एग्जाम्पल 12,000 की, तो हम इस सेल प्रोसीड को क्या करते हैं कि हम इसको अदर इनकम के हेड के अंदर नीचे सेल प्रोसीड फ्रॉम बाई प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं कि हमने सेल रेवेन्यू इतना किया। ये इसका जस्ट सिंपल सा एक प्रोसेस है जो कि हम बाई प्रोडक्ट के लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। ये पहली मेथडोलॉजी थी। दूसरा, इसकी दूसरी टेक्निक है, कुछ लोग दूसरे मतलब स्टेप इस दूसरी तरह की टेक्निक को भी ज्यादा यूज करते हैं, और जो मेजरली और कॉमनली यूज होती है वो ये है, सेकेंड बाइक वाली, सेल प्रोसीड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉमन कॉस्ट एंड ऑल रिमेनिंग कॉमन कॉस्ट आर एलोकेटेड टू मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इस सेकंड टेक्निक में हम क्या करते हैं कि अपनी बाई प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, और बाई प्रोडक्ट की सेल से जितने भी पैसे या प्राइस हमें अवेलेबल मिलती है, हम उसको कॉमन कास्ट में से माइनस कर देते हैं, और जो रिमेनिंग कॉमन कास्ट है वो हम मेजर प्रोडक्ट की कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये उसी तरह है प्रोसेस, हमने परफॉर्म किया, कॉमन कास्ट 1,10,000 की आ गई, प्रोडक्ट ए मेजर प्रोडक्ट आई, प्रोडक्ट बी माइनर प्रोडक्ट आई। अभी इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे कॉमन कॉस्ट वो हमारे पास थी 1,10,000, सेल प्रोसीड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट 12,000,
एलोकेटेबल कॉमन कास्ट। अब यानी कि 1,10,000 तो हमारी कॉमन कास्ट थी, 12,000 सेल प्रोसीड आ गई, तो रिमेनिंग पीछे कितने बचे, अगर वो उसमें से कॉमन जॉइंट कास्ट में से हमने सेल प्रोसीड और बाई प्रोडक्ट को माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास 98,000 जो है वो बाकी बचते हैं ज्वाइंट कास्ट कॉमन कास्ट के। तो ये हम क्या करते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ओ प्रोडक्ट ए स्लैश द प्रोडक्ट, ये 98,000 अब हम मेजर प्रोजेक्ट की कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के अंदर ऐड कर देंगे। ये दूसरी टेक्निक है, ठीक है। अब आपने ये देख लिया कि हमारे पास जो माइनर प्रोडक्ट्स हैं उसकी दो तरह की कास्टिंग टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जो माइनर प्रोडक्ट की सेल कर देते हैं और उसकी जो सेल प्रोसीड है उसको अदर इनकम में शो कर देते हैं, और जो मेजर प्रोडक्ट है उसकी कास्ट ऑफ जो बाकी काम जितनी कॉमन कास्ट है उसको जो जैसे प्रोडक्ट ए है इसकी कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में डाल देते हैं, ठीक है। दूसरी टेक्निक में हम क्या करते हैं कि हम जो सेल प्रोसीड बाई प्रोडक्ट की है उसे कॉमन कास्ट में से माइनस कर देते हैं, जो रिमेनिंग कॉमन कास्ट बचती है उसको मेजर प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर देते हैं। बस ये सिंपल सी टेक्निक है, दोनों टेक्निक में नेट प्रॉफिट सेम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है, मेजर प्रोडक्ट अगर हम अज्यूम करें 5,00,000 में सेल हो रही है, ठीक है, और इसमें ये अब प्रोडक्ट ए की ही कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बचेगी ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं, तो कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी जो है वो और कास्ट ऑफ गुड सेल सेम अमाउंट है, तो फिर ये यहाँ आ जाएगी और हमारे पास जो है रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वह 3,90,000। इन सब चीजों को जीरो ज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ भी 3,90,000 आ जाएगा। अदर इनकम में अब 12,000 की इनकम है, तो 3,90,000 प्लस 12,000, तो यहाँ हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ रहा है 4,02,000, ठीक है। ऐसे ही है, पहली टेक्निक में मैंने ये बताया कि दोनों प्रोसेस करने से हमारी जो है वो इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट सेम आएगा। ये प्लीज अब माइक ऑफ कर यार, जिसकी भी आवाज आ रही है। अच्छा जी, ये हमने पहली टेक्निक में क्या किया था, सेल प्रोसीड फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट ए है वो 5,00,000 में सेल हुई, ठीक है, ये प्रोडक्ट ए की सेल अज्यूम कर लें, और ये जो 12,000 थी ये प्रोडक्ट बी जो माइनर थी उसकी सेल है। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड ये जो हमने रिमेनिंग को ज्वाइंट कास्ट या कॉमन कास्ट थी ये सारी की सारी हमने ए को दे दी, तो यही कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो इसको माइनस किया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सपेंसिस 0,0 है, तो यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस अदर इनकम जो हमारी अदर सेल्स थी इसको मिलाया, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया 4,02,000, ठीक है। अब ये पहली टेक्निक का रिजल्ट है, अब इसी तरह मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ दूसरी टेक्निक का रिजल्ट। मैं ये बताना चाह रहा था कि इन दोनों टेक्निक्स में हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो सेम आएगा, तो यहाँ हमारे पास सेल्स आ गई 5,00,000 की जो प्रोडक्ट ए को सेल किया था। अब यहाँ कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो पिछली स्क्रीन थी उसमें 1,10,000 था, अब यहाँ 1,10,000 नहीं लेना यहाँ, बल्कि अब क्या लेना है 98,000, तो अब यहाँ हम 98,000 ले लेंगे, तो उससे हमारा यहाँ प्रॉफिट कितना आ गया 4,02,000, यहाँ भी हमारा प्रॉफिट कितना गया 4,02,000। अब यहाँ इस टेक्निक में यहाँ फिर कुछ नहीं शो करेंगे, जब यहाँ कुछ नहीं शो करेंगे अदर सेल्स इनकम में, क्योंकि हमने वो तो सीजीएस में से माइनस कर दिया था वो चीज, तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या आएगा 4,02,000। दोनों टेक्निक के साथ हमारा नेट प्रॉफिट जो ओवरऑल कंपनी का आएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आएगा, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो ये दो टेक्निक और कॉस्टिंग मेथड थे जो हम परफॉर्म करेंगे बाई प्रोडक्ट्स के लिए।